हे गाइस, मैं हूं देव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड इन्फेक्शन के बारे में। ब्लड इन्फेक्शन के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड इन्फेक्शन में हमें कौन सी गोलियां लेनी चाहिए और ब्लड इन्फेक्शन में हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, यानी कि खाने में हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। ब्लड इन्फेक्शन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ब्लड इन्फेक्शन को अगर लंबे समय तक हम इग्नोर करते रहें तो ये ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, लेकिन अगर शुरुआती जो स्टेज होती हैं उसमें हम दवाइयों या फिर एक अच्छे आहार का सेवन करें तो हम ब्लड इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए। ब्लड इन्फेक्शन में हमारे ब्लड में पाए जाने वाले बैक्टीरियाओं को ख़त्म करने के लिए हमें विटामिन सी और फाइबर युक्त भोजन का आहार लेना चाहिए, यानी कि भोजन खाना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन जैसे कि हरी सब्जियां, फ्रूट, ड्राई फ्रूट और मोटा अनाज होता है, और विटामिन सी में नींबू, संतरा और पपीता आदि का जूस निकाल करके हमें पीना चाहिए। विटामिन सी सबसे ज़्यादा नींबू में पाया जाता है, इसीलिए ब्लड इन्फेक्शन में हमें रेगुलरली नींबू का पानी पीना चाहिए। इसके अलावा चुकंदर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए हमें नियमित रूप से चुकंदर का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा व्यायाम करने से हमारे शरीर का पसीना निकल जाता है, जिससे उस पसीने के साथ हमारे शरीर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया भी बाहर निकल जाते हैं। हमारा शरीर 75% पानी से मिलकर के बना होता है, इसलिए हमें रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीने से हमारे ब्लड में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो प्यूरीफाई हो जाते हैं और यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा सौंफ खाने से, ग्रीन टी पीने से और सलाद खाने से हमारा ब्लड डिटॉक्सिफाई होता रहता है। अब बात करते हैं कि हमें ब्लड इन्फेक्शन में कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो ब्लड इन्फेक्शन में ज़्यादातर हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ये एंटीबायोटिक्स ब्लड में पाए जाने वाले बैक्टीरियाओं को ख़त्म करने के लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं तथा हमारे शरीर की एंटीबायोटिक क्षमता को बढ़ाती हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, वेनकोमाइसिन, पिप्रासिलिन व टेजोबैक्टम आदि दवाइयों का इस्तेमाल ब्लड इन्फेक्शन में किया जाता है। ये जो दवाइयाँ हैं ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, लेकिन आप इन दवाइयों का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के न करें, क्योंकि डॉक्टर आपके ब्लड इन्फेक्शन की लेवल को जांच कर बताएगा कि आपके ब्लड इन्फेक्शन की लेवल क्या है और उसके अनुसार ही आपको इन दवाइयों की सलाह देगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। From London to Taiwan, I've been on